घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर कई बातें सामने आई हैं। लाखों दिक्कतों को झेलते हुए जहां प्रवासी अपने घरों को लौट रहे हैं, वहीं ट्रेन में उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था न होने पर उन्हें काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन द्वारा ट्रेन में खाने और पीने की व्यवस्था न होने पर प्रवासियों को गुस्सा फूट रहा है। इस कड़ी में आगरा से भागलपुर के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब कैमूर जिले के पुसौली और कुदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो घंटों रुकी रही, तो यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्री रेलवे ट्रैक पर चले आए और ट्रेनों के रुक रुक कर हो रहे परिचालन को लेकर नाराजगी जताई। अभी तक हमें सब खाना नहीं मिला है। आगरा में 100-100 ग्राम चावल मिला था। 100 ग्राम चावल में किसी का गुजारा होगा, वो किसी को मिला था, किसी को नहीं मिला था। अच्छा, कितने लोग हैं आप इसमें? कितने लोग हैं ट्रेन में इसमें? आप लोग 1300-1400 आदमी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बिहार जाते हैं। कहाँ बिहार? भागलपुर। ये खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सबके बच्चे सब भूख से मर रहे हैं। बीवी बच्चे। आप लोग क्या किए हैं आप लोग? अभी ट्रैक जाम किए हैं? ट्रेन चल नहीं रहा। इलाहाबाद से गाड़ी चला ही नहीं है। अच्छे, हम लोग अब तक घर पहुंच जाते, 6-7 घंटा हो गया गाड़ी रुके हुए। अच्छे। चलता ही नहीं है, ना खाना देता है, पानी पीने के नहीं हम लोग के पास। एक तरफ जहां प्रवासी मजदूर ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था न होने से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के क्वारंटीन सेंटर की बदहाल व्यवस्था के चलते विषैले सांप निकल रहे हैं। पूरा मामला पटना के फतुहा राम स्वार्थ सिंह हाई स्कूल बलवा का है, जहां पर पटना जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहां गुजरात से आए लगभग 40 श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के आसपास में काफी जंगल है, जिस वजह से श्रमिकों ने 2 सांप देखे। सांप मिलने की सूचना पर पूरे क्वारंटीन सेंटर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सांप को पकड़ने के लिए सपेरों को बुलाया गया। वहीं सांप को देखने के लिए वहां भारी संख्या में भीड़ जुट गई। फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों में डर का माहौल बना हुआ है। कटिहार में स्थानीय लोगों द्वारा क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की गई है। मामला फलका थाना क्षेत्र के गोपालपट्टी का है। पीड़ित प्रवासियों ने कहा कि स्थानीय लोग उन्हें क्वारंटीन सेंटर से निकालना चाहते हैं, इसी कारण से अब वो मारपीट पर उतर आए हैं। इस मारपीट से कई श्रमिक बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा लाठी डंडों से की गई मारपीट के बाद क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ पर मेरे को खींच के चौक तीनों ले जाकर 7 आदमी ने मारा है। तुम लोग क्वारंटाइन में है तो फिर कैसे मारपीट कर दिया? सर वो गेट के आगे मारा है, गेट से आगे से खींच के आना है। 7 आदमी ने बोला इस पार में सोता है ना। कौन कौन मारा है, क्या नाम है उसका? संजय डीजे और चिंता है। देखिए भाई, संजय डीजे दो को है, गोपालपट्टी घाटी गोपालपट्टी टेम्पो वाला है। दोनों टेम्पो वाला है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से तुम लोग आए हो? गोविंदपुर दिरा घर हुआ। घर कहाँ हुआ, कहाँ से आए हो? कहाँ से, कौन स्टेट से? मुंबई से। मुंबई बांद्रा से आया। सर मैं गेट पे खड़ा था, उधर से आके मार दिया जोर से लाठी लेके। हाँ सर। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। आप कहाँ से आए? हम आए मुकरिया से, पंजाब से। जसवा मुकरिया। हाँ जी। घर कहाँ हुआ? घर सबदा। कौन सा क्वारंटाइन में है अभी? गोपालपट्टी। अभी आप लोग क्या किए हैं इसके विरोध में? यहाँ पर सर हम जाम लगाए हैं। जाम लगाए हैं इसलिए कि हम लोग को कोई फैसला मिले सर। कल रात में जो है ना, गांव का लोग बोल रहा था क्या गोली मार देंगे जो भी बाहर निकलेगा। बिहार में आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के द्वारा प्रशासनिक कुव्यवस्था को लेकर हंगामा भी किया जा रहा है। फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में हुई मारपीट के मामले में जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।